क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम हुआ जी। मोहम्मद अलीम साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो आज जो ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, ये जमहूरियत में आवाम को किस तरीके से क्या संदेश है? देखिए, असल में कि सबसे पहले तो हम इस इंस्टीट्यूट का और इस कॉलेज का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इस अच्छे फेस्टिवल डे में इस तरीके का एक प्रोग्राम रखा गया और जो हमारे स्टूडेंट थे उसमें सब ने आगे बढ़कर और मतलब वो अपना हिस्सा लिए और ब्लड डोनेशन किए। ब्लड डोनेशन करने के बाद जो आज डे है, आज हमारे मार्केट के अंदर में हमारे समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाकर एक कोई नई चीज़ को लेंगे, लेकिन नई चीज़ लेने के बाद क्या होगा कि वो अपने घर के चीज़ों को, अपने घर के जो वो है समाज को खरीदारी करेंगे, लेकिन उससे समाज का बेनिफिट नहीं होने वाला है ना, उसका कोई फायदा होने वाला। लेकिन आज हम ब्लड डोनेशन जो किए हैं या हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे जो ब्लड डोनेशन किए हैं, उससे हमारे समाज के लोगों को, जिस लोगों को ज़रूरत होगा वो उसको पूर्ति किया जाएगा, उसको ज़रूरत होगी तो। एक चीज़ और हम संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को और यंग लोगों को कि हम हमारे समाज के अंदर में लोगों को ब्लड डोनेशन करने से डर लगता है, लगता है कि हमें ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड नहीं है, हम देने तो हम बीमार पड़ेंगे, वीकनेस होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे युवा को हम एक और संदेश देना चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो करने से यहाँ तक कि आप हेल्दी रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। आज अगर हमारे देश में कुछ बीमारी जैसे ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि हम अपने पूरे फ्यूचर में एक बार ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं इस डर से कि वीकनेस होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपको एक नई ज़िंदगी मिलती ही मिलती है, आप बीमारी से सुरक्षित रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी एक हेल्दी पर्सन में लाइफ काटते हैं। प्लस में क्या कि आपके बॉडी से जो ब्लड निकला है वो किसी गरीबों की ज़िंदगी बचाने में सहायक।